हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। बच्चों, ये वीडियो मैं चाहता हूँ वही लोग देखें जो लोग रैंक लगाने का सपना देख रहे हैं, या जिन लोगों की कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि यार चलो एग्जाम में क्या लगाई जाए, रैंक लगाई जाए। मैं चाहता हूँ ये वीडियो वही लोग देखें। रीज़न ये है कि इस वीडियो में मैं कुछ बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, जो जिस टाइम स्केड्यूल को फॉलो करना शायद बहुत डिफ़िकल्ट है। बच्चों, पिछले 3 4 दिन से मैं एक एनालिसिस कर रहा था कि यार ऐसा कौन सा स्केड्यूल है, जिसको हम फॉलो करें तो हमारा मन भी ना भटके, हमें दुनिया भर के जो टाइम पास वाली चीज़ें हम उनसे भी दूर रहें और लाइफ में यार कुछ सच में बड़ा कर सकते हैं। तो वो स्केड्यूल हमें फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये स्केड्यूल मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिन लोगों की क्लासेस खत्म हो गई, या फिर जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और जो लोग अभी दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं। बच्चों, इस स्केड्यूल को गौर से सुनिएगा, ये स्केड्यूल थोड़ा सा खतरनाक है। बच्चों, ये स्केड्यूल बात करता है कि आप सुबह रात को 8 बजे, शाम को 8 बजे रादर, आपको सो जाना है। और बच्चों ध्यान देखिए, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं ये स्केड्यूल आपको रिकमेंड करने के पहले। मैंने 2 3 टॉपर से बात की है, और टॉपर्स तो छोड़ दीजिए, बट ये स्केड्यूल एक ऐसा स्केड्यूल है जो मैंने कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम के बारे में भी सुना था कि वो भी ये स्केड्यूल फॉलो करते थे। नाउ स्केड्यूल ऐसा है कि रात को 8 बजे आपको सो जाना है। यू नीड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3, आपको सुबह 3 बजे मॉर्निंग में उठना है। यू नीड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3, 3 से 4 5, 3 से 3:30 में मुंह धोना, मेडिटेशन करना, देन 3:30 बजे आप रेडी हो जाएंगे। 3:30 से 4:30, 5:30 से 6:30, 7:30 से 8:30, 9:30 आपके लगभग 3:30 से 9:30 में 6 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों, ये सबसे बड़ा टारगेट है, आपके 6 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टाइम स्केड्यूल है वो सारे लोगों के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए जो सच में लाइफ में कुछ हटके करना चाहते हैं। बच्चों, बिलीव मी, ऐसा स्केड्यूल शायद किसी टीचर ने ना दिया हो, बट मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ये स्केड्यूल फॉलो किया है बच्चों, कभी ना कभी अपने लाइफ के किसी ना किसी स्पैन में, और मुझे काफ़ी यूजफुल लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये स्केड्यूल आपको रिकमेंड करूँ। सो बच्चों, याद रखिए 3:30 बजे उठना है। अब देखिए, उसके बाद आप 9:30 बज जाएंगे, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर मॉर्निंग में, या और उठते ही साथ आपको एक ब्लैक टी पीना है। मैंने कई बार ब्लैक टी के बारे में पहले ही बताया। और इस पीरियड में आपको उठाना है कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, या जो भी लॉ के सब्जेक्ट, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे अच्छा टाइम होता है बच्चों, ब्रह्म मुहूर्त होता है, सबसे बेहतरीन टाइम होता है। आपने जो याद किया ना एक बार में आप समझ जाएंगे, उसको भूलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता बच्चों। सो आई नो डिफिकल्ट है ये स्केड्यूल बच्चों, बट स्केड्यूल अगर डिफिकल्ट होगा तो हमेशा याद रखना रिजल्ट बहुत ईजी होगा। 9:30 बजे आप फिर ब्रेक लेंगे, 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, या 9:30 से 11:30, इसमें आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नहा लीजिए, देन आपकी पूजा वगैरह, पूजा करनी चाहिए रोज़ बच्चों, पूजा कर लीजिए। 11:30 बजे सेकेंड वो लीजिए, आप सिटिंग लीजिए 11:30 से 1:30 बजे तक या 2 बजे तक, तो यहाँ पे आपके 2.5 घंटे और होंगे। 2 बजे खाना खा लीजिए, खाना खाने का बढ़िया बच्चों 2 से 2:30 खाना खा लीजिए, 2:30 से 4:30 बिंदास सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4:30 से 5:30 और भी अगर आपको कुछ करना है, फ्रेंड से बात करनी है, वो कीजिए। 5:30 से लेके 7:30 या 6:30 या 7:45 तक, और 7 बजे खाना खाना है बच्चों, खाना खा के फिर सो जाना है, और खाना खाने के बाद आधे घंटे आपको जो करना कीजिए, 8 बजे सो जाना है बच्चों। जब दुनिया टाइम पास करती है ना, जब दुनिया में सबसे ज़्यादा बकर होती है, और दुनिया में मन माइंड को डाइवर्ट करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप गौर कीजिएगा, रात को 8 बजे के बाद होती हैं। और 8 बजे तो भाई अपना दुनिया से अलग हो जाएगा, सो जाएगा। 1 2 दिन प्रॉब्लम होगी ये स्केड्यूल फॉलो करने में, बट बिलीव मी, ये स्केड्यूल मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया जो है वो 10 से 11 घंटे का, लेकिन बिलीव मी, आप जो भी इस स्केड्यूल में पढ़ने वाले हैं वो आप कभी भूलने वाले नहीं है बच्चों। दोपहर के टाइम पे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं, ऐसा सुबह आप पढ़िए बच्चों, 2 दिन कंपनी लॉ पढ़ लीजिए, 2 दिन सिक्योरिटीज पढ़ लीजिए, 2 दिन ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ लीजिए, एक ग्रुप दो ग्रुप दे रहे हैं, और फिर शाम के टाइम पे 6 घंटे का ये स्लॉट होता है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, कॉस्ट ले सकते हैं, एक दिन टैक्स ले लिया, एक दिन कॉस्ट ले लिया, एक दिन अकाउंट्स ले लिया। सुबह के स्केड्यूल में थियरी सब्जेक्ट चल रहे हैं, चलने दो चलने दो, दो दो दिन नहीं तो दो दिन एक ही सब्जेक्ट रखो, कंपनी लॉ टैक्स 2 दिन, देन ज्यूरिसप्रूडेंस एसबीसी, ज्यूरिसप्रूडेंस एसबीसी, या फिर तीसरे दिन आप ले लो ईबीसीएल ले लो और एफएम ले लो, चौथे दिन आप ईबीसीएल एफएम, ईबीसीएल एफएम, देन सिक्योरिटीज और कॉस्टिंग सिक्योरिटीज, और ऐसे बनाओ बच्चों स्केड्यूल। एंड बिलीव मी बच्चों, ये स्केड्यूल जब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पूरे होशो आवाज से काफ़ी रिसर्च के साथ बोल रहा हूँ, यू आर बाउंड टू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स वंस यू फॉलो दिस स्केड्यूल।
और ऑर्डिनरी जॉब तो प्लीज ये स्केड्यूल फॉलो मत करना, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। आप हो सकता है इस वीडियो के नीचे कुछ अपशब्द भी लिख दें, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप देखिए मत बच्चों, मैं रिकमेंड ही नहीं करता जिनकी लाइफ में इच्छा है कि, क्योंकि बच्चों ध्यान से कि बच्चों त्याग जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी बच्चों, बिलीव मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। लाइफ ग्रेट है, सेक्रीफाइस ग्रेट रखो, मिलेगा भी ग्रेट बच्चों। और एक बार पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हो गए तो भविष्य में कोई भी एग्जाम होगा करेक्ट कर लोगे। लव यू। ये बैठने की पोजिशन में ही थोड़ी ठीक नहीं है बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।